हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और एक बहुत अच्छे दिन के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं रिधि खोरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। फिलहाल अभी सुबह के बजे है 10:05 हो गई है और फिलहाल नीचे सब मैंने फिनिश थोड़ा बहुत काम कर लिया है बिकॉज कल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वैसे अभी हम लोग थोड़ी देर में रेडी होकर जा रहे हैं अस्पताल बिकॉज आज मंडे है तो आज तो अस्पताल खुला ही होगा। तो हेमल ने बोला है कि चलो, वैसे तो थोड़ा बहुत ठीक है बट हेमल बोल रहे हैं कि नहीं, पहले दवाई ले लेते हैं ताकि तुम वापस से बीमार ही ना पड़ो। तो फिलहाल अभी मैं कुछ ज्यादातर तो काम नहीं कर रही हूँ बिकॉज हेमल ने मना किया है, तो सिर्फ बेडशीट मुझे चेंज करनी है तो बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर रेडी होके चलते है सीधा अस्पताल को। And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in a growlings when. Hey guys, तो finally हम लोग हो गए हैं ready और देखिए अभी सुबह के 11 बजे हैं और हेमल भी यहाँ पे ready हो गए हैं। Hi हेमल। Good morning। जय श्री कृष्णा। और हेमल जबरदस्ती मुझे लेके जा रहे हैं अस्पताल, मुझे नहीं जाना है फिर भी। क्या करेगा, दिखाना तो पड़ेगा ना। तुम्हें अच्छा ठीक नहीं हुआ है अभी तो, थोड़ा बहुत ठीक है फिर भी ले जा रहे हैं। एक बार ले लेते हैं। तो चलिए गाइस, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घर से, फिर आप लोगों को आने के बाद मिलती हूँ। A few moments later. So guys, finally हम लोग घर पे पहुँच गए हैं। देखिए 11:05 हुई है, हम लोग ऐसे ही गए और ऐसे ही वापस आ गए घर पे बिकॉज वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थे तो अस्पताल बंद था, इसलिए फाइनली हम लोग वापस से घर पे पहुंच गए हैं। 5:30 उन्होंने बोला है तो वापस से 5:30 हम लोग जाएंगे वापस से। तो चले फिलहाल अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, लंच बनाना होगा तो थोड़ा बहुत बना लूंगी, अब डिसाइड नहीं है अभी तक। तो चलिए आप लोगों को भी बाद में मिलती हूँ। तो हे गाइस, फाइनली शाम हो गई है, मैं लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर गई थी, लंच मैंने फटाफट से बना दिया था दोपहर को, तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर गई थी और अब वापस से हो गई हूँ रेडी जाने के लिए हॉस्पिटल। और देखिए अभी शाम के 6 है तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए। सो हेमल आप रेडी है ना, तो चलिए फटाफट से जाते हैं और दवाई लेके आते है। अभी कैसा लग रहा है? बेटर है अभी तो थोड़ा बहुत, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो ले लेती हूँ दवाई। क्योंकि क्या? क्योंकि क्योंकि तुम्हें ना दर्द होता है ना, इसलिए। चलिए तो फाइनली अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं, चलिए पहले फटाफट से जाके आते हैं। डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्होंने मुझे दवाई भी दे दी है, तो चलिए आगे की बातें घर पे जाके करती हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से सीधा घर पे। इट्स देखो मैं क्या बोल रहा था, क्या अभी हम जाते हैं ना घर पर। हाँ। तो वहाँ पे एग्जीबिशन लगा है। हाँ। तो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, पसंद आए तो ले लेना। चलेगा, अच्छा तो पहले जाना है घर पर जाना है? नहीं घर पे नहीं, अब निकले हैं तो होके ही जाएंगे। चलिए थोड़ी देर में फटाफट से देख लेते हैं। चलिए फिर बाद में घर पर चले जाते हैं, ठीक है। गाइस अभी हम लोग आए हैं लॉर्ड्स होटल में एग्जीबिशन देखने के लिए, तो चले चलते हैं अंदर। हेमल आज लास्ट डे में मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, पता नहीं अंदर क्या होगा क्या नहीं, बट चलिए चलते हैं। क्या करूँ, आज ही टाइम मिला मुझे, 2 तक तो इवेंट में था मैं, चलो चलते हैं। It's
up to you, so you decide, you decide. Could you love me at my worst till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared. So guys, finally हम लोगों ने exhibition देख लिया है. वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैंने कुछ लिया भी नहीं है. चलिए फिलहाल अभी यहाँ से चलते थे. वैसे तो 3 दिन से यहाँ पे एग्जीबिशन था, बट हेमल अपने इवेंट के काम में बिजी थे इसीलिए वो आज मुझे यहाँ पे लेके आए. और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है. तो हेमल चलिए चलते हैं. चलो चलते हैं, कोई बात नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ले लूँ, ज़्यादा शॉपिंग कर लूँगी. ओके. सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर पे. दवाई लेने के बाद हेमल मुझे एग्जीबिशन में लेके गए थे, बिकॉज वहाँ पे 3 दिन का एग्जीबिशन था, बट हेमल काम में थे, थोड़ा बहुत बिजी थे तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए थे. आज सडनली हेमल ने दवाई लेके निकले तो बोला कि चलो तुम्हें वहाँ पे दिखा के आता हूँ. वैसे वहाँ पे सब ऑफर में था, बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, वेस्टर्न कपड़े थे, कुर्तीस थी, सब कुछ अलग अलग था, बट मेरा मूड ही ठीक नहीं था और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था तो इसीलिए मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है और मैं वापस आ गई हूँ घर पे. वैसे मैंने दवाई ले ली है तो डॉक्टर ने बोला है कि दवाई खा के रेस्ट करना, 2 दिन की मुझे दवाई दी है और फिलहाल अभी मैं घर पे आ गई हूँ. तो जो हमारे डॉक्टर है वो मेरी फैमिली डॉक्टर ही है. मैं जब भी मेरी तबीयत छोटी सी भी खराब होती है तो मैं उसी के पास से दवा लेने जाती हूँ ज्यादातर. और मैं जिसके पास दवाई लेने जाती हूँ वो हमारे मैम है, कृति मैम. तो मैं कृति मैम के पास ही दवाई लेने ज्यादातर जाती हूँ. तो पहले तो मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू कृति मैम कि आप मेरे वीडियोस देखती है और आपको मेरे व्लॉग पसंद भी है, तो थैंक यू सो मच. और वैसे भी वो मेरे फैमिली डॉक्टर है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं सबसे पहले वहीं पे जाती हूँ एंड मुझे वहां पे जाती हूँ तो तुरंत ही दवाई उसकी असर भी मुझे कर जाती है. तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे. सो गाइस चलिए फिलहाल आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ. अब सीधा डिनर करके फिर मैं दवाई लेके फिर सीधा एडिटिंग पे बैठती हूँ और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए. जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए. सो गाइस चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. सो गाइस फाइनली मैंने दवाई ले ली है देखिए, और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं.